हमारे पास जितनी नॉलेज होती है हमारे सवाल भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। यूनिवर्स की कई मिस्ट्रीज सुलझने के बावजूद भी आज भी दर्जनों सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। यूनिवर्स की एज क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यूनिवर्स काफी तेजी से फैल रहा है हम ये भी जानते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स की बाउंड्री यानी एज कहाँ है और एज है भी या नहीं हम ये नहीं जानते। अगर यूनिवर्स का कोई एज है तो उसके बाद क्या है, या फिर यूनिवर्स का कोई एज है ही नहीं। चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्स के अंतिम छोर के सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्स के बाद क्या है। इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद हुआ था। यूनिवर्स के निर्माण के बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। सबसे पहले स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद गैलेक्सीज और फिर क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स का निर्माण हुआ। इन सभी के निर्माण के बाद सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और फिर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बाद अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। लाइफ की शुरुआत होने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी। यूनिवर्स के फॉर्मेशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने के बीच एक लंबा इतिहास रहा है और अब इंसान यूनिवर्स के इस इतिहास में झांकने की कोशिश कर रहा है ताकि यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सुलझाया जा सके। यूनिवर्स के इतिहास में झांकने की इसी कोशिश की वजह से हमें यूनिवर्स के बारे में कई इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी हैं। वैज्ञानिकों को पता चला कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है। यूनिवर्स के एज की जानकारी मिलने के बाद पता चला कि यूनिवर्स फैल रहा है, इसका दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स के फैलने की स्पीड लाइट से भी ज्यादा तेज है। आपका ये सवाल हो सकता है कि यूनिवर्स में लाइट ही सबसे फास्ट ट्रेवल कर सकती है, तो यूनिवर्स लाइट से ज्यादा स्पीड से कैसे एक्सपेंड कर सकता है। इसके पीछे की वजह कॉम्प्लिकेटेड है। आसान भाषा में बस इतना समझना काफी होगा कि फिजिक्स की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार जो बात बताई गई है कि लाइट से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं मूव कर सकता, वो थ्योरी सही है, लेकिन ये सिर्फ लोकल लॉ ऑफ फिजिक्स है। वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी आधार पर ये थ्योरी दी गई है, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या हो रहा है इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वैज्ञानिकों के पास नहीं है। सो पॉसिबल है कि दूर यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज के अपने रूल होंगे और वहाँ का यूनिवर्स अपने ही मनचाही स्पीड से एक्सपेंड कर रहा होगा। यूनिवर्स का एग्जैक्ट साइज क्या है ये कोई नहीं जानता। ओल्डेस्ट फोटॉन्स के ऑब्जर्वेशन से ये जानकारी मिली है कि ये फोटॉन्स अब तक 45 से 47 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस तक ट्रेवल कर चुके हैं। इस हिसाब से यूनिवर्स का कुल डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है। बस इसी डिस्टेंस को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स माना जाता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या है कोई नहीं जानता। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे के यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 23 ट्रिलियन लाइट ईयर्स का माना गया है। वाकई में ये बहुत ही बड़ा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या है इसे लेकर वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज पेश की हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में भी एक स्फेरिकल रीजन है जिसे हबल्स वॉल्यूम कहा जाता है। हबल वॉल्यूम से आगे ऑब्जेक्ट्स लाइट से भी ज्यादा तेज गति से एक्सपेंड हो रही हैं। हबल वॉल्यूम से आगे भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हबल वॉल्यूम के अंदर है। हबल वॉल्यूम से आगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सुपर क्लस्टर्स, क्लस्टर्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के अलावा यूनिवर्स में मौजूद सभी पॉसिबल चीजें इस रीजन में भी अवेलेबल हैं। इसमें सोलर सिस्टम भी हैं और अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट के अनुसार हबल वॉल्यूम की बाउंड्री से आगे एक और हबल वॉल्यूम है जो पहले वाले हबल वॉल्यूम का परफेक्टली आइडेंटिकल है। हबल वॉल्यूम से आगे यूनिवर्स लाइट से ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है जिस वजह से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के बीच की दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। हबल वॉल्यूम से आगे यूनिवर्स को तेजी से एक्सपेंड करने के प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने डार्क फ्लो का नाम दिया है। सन 2008 में की गई एक स्टडी में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात का पता लगाया कि हबल वॉल्यूम से गैलेक्सी क्लस्टर्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स अत्यधिक स्पीड से एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं।
इनके एक्सपेंशन की स्पीड 2 मिलियन माइल्स प्रति घंटे की है। सन 2010 में न्यू ऑब्जर्वेशन के बाद इस फिनोमिना को डार्क फ्लो नाम दे दिया गया। हबल वॉल्यूम से गैलेक्सी क्लस्टर्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स निकलकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इतनी तेज स्पीड से क्यों जा रही हैं? वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने ऐसी पॉसिबिलिटी जताई है कि हबल वॉल्यूम से बाहर कोई मैसिव स्ट्रक्चर है जो हैवी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच रहा है। अब वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर क्या है, उसे जानने के लिए हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एंड पॉइंट से या उससे आगे देखना होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर एनर्जी और मैटर का एक मिला जुला रूप होगा, या फिर हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एक फनल, या फिर पैरेलल यूनिवर्स से आने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अपने एंड पॉइंट तक नॉर्मल नियर बाय यूनिवर्स के जैसा ही है। हालांकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कई पहलुओं से वैज्ञानिक आज भी अनजान हैं। एक हाइपोथेसिस के अनुसार बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। यूनिवर्स के फॉर्मेशन के साथ ही इसका एक्सपेंशन भी शुरू हो गया। शुरुआत में एक्सपेंशन की स्पीड प्रेजेंट टाइम के यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड से काफी ज्यादा थी। इसी एक्सपेंशन के दौरान उस छोटे से यूनिवर्स में जाइंट बबल्स का फॉर्मेशन होने लगा। यूनिवर्स का एक्सपेंशन तो लगातार होता रहा, लेकिन बबल्स का एक्सपेंशन रुक गया। एक्सपेंशन रुकने के बाद इन बबल्स में भी यूनिवर्स का फॉर्मेशन होने लगा। इस तरह से एक दो नहीं बल्कि कई बबल्स में बहुत सारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस हाइपोथेसिस को प्रोपगेट करने वाले मल्टी यूनिवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरीज पर बिलीव करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार बबल्स इनफाइनाइट हैं, इस तरह से यूनिवर्स को भी इनफाइनाइट माना गया है। अगर कोई यूनिवर्स के इस बबल की बाउंड्री तक जाने में सफल हो भी जाता है, तो भी वो दूसरे बबल यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जा सकता, क्योंकि बबल्स के बीच का स्पेस कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एज के आगे सिर्फ खालीपन है, और इस खालीपन से आगे पैरेलल यूनिवर्स है। फिजिसिस्ट ली सॉमलिन ने भी एक थ्योरी पेश की है। इस थ्योरी को फेकेंड यूनिवर्स थ्योरी नाम दिया गया है। ली सॉमलिन ने भी मल्टी यूनिवर्स के दावे का समर्थन किया है। इनके अनुसार यूनिवर्स इनफाइनाइट है। एक यूनिवर्स के बाद दूसरा यूनिवर्स और दूसरे के बाद तीसरा यूनिवर्स है। सॉमलिन ने अपनी थ्योरी में एक दावा किया है कि ब्लैक होल के फॉर्मेशन के साथ ही एक नए यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। यदि यूनिवर्स में ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर इस ब्लैक होल की वजह से एक नए यूनिवर्स का भी फॉर्मेशन होगा। न्यूली फॉर्म्ड यूनिवर्स फिजिकल लॉज के मामले में पहले वाले यूनिवर्स से अलग होगा। अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स सेकंड यूनिवर्स थ्योरी से सहमत नहीं हैं। इन सभी के अलावा और भी दर्जनों थ्योरीज हैं जिनमें ऑलमोस्ट एक जैसे ही दावे किए गए हैं। कुछ थ्योरीज में मल्टी यूनिवर्स की बात की गई है, कुछ में बताया गया है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, इसका कोई एंड नहीं है। अगर आप एक पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू करेंगे, तो फिर यूनिवर्स की सैर करते हुए आप वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। खैर, इन सब थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल यूनिवर्स की एज से आगे क्या है, इसके बारे में जो मोस्ट कन्विंसिंग और एक्सेप्टेबल थ्योरी है, उसके अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे भी यूनिवर्स वैसा ही है जैसा हबल वॉल्यूम और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात जरूर समझने वाली है, साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और उससे आगे के यूनिवर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसे दो सेक्शन में सिर्फ इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी लिमिट को बताता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एंड पॉइंट पर ना तो कोई बाउंड्री है और ना ही यहाँ कोई स्पेशल लोकेशन है। इसके बारे में स्पेशल बस यही है कि यही वो डिस्टेंस है जहाँ तक इंसान देख सकता है। सो लॉजिकली 46 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस में एक्सपेंशन स्पीड के अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे भी यूनिवर्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। रही बात यूनिवर्स की बाउंड्री यानी कि एज की, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार यूनिवर्स की कोई एज है ही नहीं। क्या आप मल्टी यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी पर विश्वास करते हैं, या फिर आपका भी यही मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे भी यूनिवर्स बिल्कुल एक जैसा ही है?
बिल्कुल सेम। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस को आप मिस न करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।